जा रही है अपनी 33-13 और ये उतराई उतार रहे हैं। गाड़ी को ब्रेक लगा के रखिए, फिर भी गाड़ी उतराई उतर रही है भाई, रुकती नहीं है गाड़ी। हाँ तो दोस्तों निकल चुके हैं हम सांबा के लिए, फेयर एंड डाल के एकदम जहर लुक में निकले हैं सांबा के लिए। तो ओके, और कैसे हो? मस्त मजे में ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माई न्यू व्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप मस्त होंगे। मस्त नहीं भी हो तो खुश तो होंगे, क्योंकि मैं व्लॉगिंग डेली कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, देखते होंगे। और मैं हूँ अभी कंगा में। आज का सीन कुछ इस तरह का रहने वाला है कि मैं जा रहा हूँ परलंका, श्रीलंका के भाई के पास। वहाँ से करेंगे लोड और निकलेंगे सांबा। अल्लाह की फसल से सफ़र अच्छा रहे, मस्त रहे। आपकी दुआएँ होनी चाहिए और मेरा सफ़र भी अच्छा होना चाहिए। और अपना बादशाह पीछे खड़ा है, देख रहे हो आप। बादशाह का कुछ सीन इस तरह का कि बादशाह का एक व्हील कप गिर गया, उस वजह से मेरा और इसका मूड थोड़ा ख़राब है। नड में इसका और मेरा एक व्हील कप गिर गया गाड़ी का उस साइड का, तो अपनी कुछ डायल हुई अलग से हो गई। तो अब मैं जाके वाइट व्हील कप डलवाने गाड़ी को। बादशाह एकदम जहर लग रहा है, मतलब अच्छी लुक है बादशाह की। अभी कोई और मॉडिफाई इसको गाड़ी को लगानी है परौंदियाँ, बल्कि वो 500 की एक आती है, परौंदी लगवानी है और थोड़ी सी और मॉडिफाई करनी है। आगे इसको सर्दी है तो सर्दी में इसको कवर लगता है कि जाली पे कवर भी लगवाएंगे। थोड़ा अलग सा मूड बनाएंगे गाड़ी का, अलग सी शो बनाएंगे गाड़ी की, एकदम मस्त और जहर बनाएंगे आपके लिए। बादशाह की लुक करेंगे थोड़ी सी चेंज। तो कुछ सीन इस तरह का, हम जा रहे हैं अभी परलंका। अभी हैं हम जो जगह है इसका नाम है कंगा, और बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब कि गर्मियों टाइम हम जब रोज रमज़ान में घूमने वगैरह इधर आते हैं, मतलब कि थोड़ा टाइम निकालने के लिए, थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह छोटी मोटी करते रहते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। शाम परलंका जाके लोड होती है गाड़ी, नहीं होती है, बट लोड तो होनी होनी है, तो देखते हैं। ओके, वेट एंड वॉच। तो दोस्तों बड़े सुकून से हम गाड़ी को ड्राइव करते करते जा रहे हैं परलंका, और बीच में गंगा की खूबसूरती को कैच करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आज हम माहौल कुछ ऐसा ये अपना हो गया है माहौल गोल। और मसला है सर्दी का, बन गया अपना सर्दी का मौसम। और पीछे से आ रही है टाइगो जो ले रही है मेरे से ओवरटेक। वह भाई ले ले ओवरटेक है जेकी उन्नी 85-88, मतलब 85-81 की सिस्टर ही समझ लो, छोटी भाणजी आए। तो हम पहुंच गए वीरे अच्छी जगह पर, है आगे खड्डे, मतलब कि आप मेरे को जंपिंग जपा करना पड़ेगा बॉस। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है यार गंगा भी, मतलब कि बड़े बड़े पेड़ों के बीच में इतनी प्यारी जगह, मजेदार जगह है। मतलब कि मजे लेने आते हैं हम गर्मियों टाइम यहाँ पे आते हैं, मतलब की गाड़ी अपनी लगाई छोटी ले आए यहाँ पे री खड़ी, दोस्तों यारों के साथ आ जाते हैं यार। तो ये गड्डी केड़ी है, वो एक चूंजा संतालिया सोनू की गड्डी है। मैं भी सीमेंट लोड करके आया होना है, पंजाबी भी थोड़ी थोड़ी चलती है अपने ब्लॉग में यार। तो मसला कुछ इस तरह है, क्योंकि हम रहे बंदे कश्मीर के, असली तो हम कश्मीर के हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के। और मैं बचपन से रहा हूँ रामन डिस्ट्रिक्ट में, अपना ननिहाल, अब अपना घर यहीं पे है। कुपवाड़ा में भी अपना घर है, मैं 15 दिन गुजार के आया पिछले दिन कुपवाड़ा में भी। तो कुछ सीन बड़ा पुट्ठे सीन थे, इसलिए हमें यहाँ पे भी रहना है, वहाँ पे भी रहना है, तो अब रहना ही रहना है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह से हम हो रहे हैं क्रॉस। आप बताएं आपका क्या मजेदार है, क्या सीन है, कमेंट करके बताएं कि मेरे ब्लॉग में क्या ऐड करूं और अच्छा सा कोई अलग सा। भाई आपको ना नया नया बिगिनर ब्लॉगर, तो बिगिनर ब्लॉगर को अगर आप थोड़ी थोड़ी एडवाइस भी देते रहे अच्छी अच्छी तो बेहतर रहेगा। और बादशाह को क्या करूँ, किस तरह की अब सर्दी में लुक बादशाह की बनाऊँ, उसके बारे में थोड़ी सी एडवाइस दे दें आप, तो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो बताएं कि बादशाह को आगे से कौन सा कपड़ा लगाऊं, जाली पे रेड लगाऊं, ब्लू लगाऊं, ब्लैक लगाऊं, किस तरह का कपड़ा लगाऊं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो कोशिश आप बता दें मुझे को, और देखते हैं सीन क्या रहता है आगे का। ओके, विच मजे लो थोड़े से व्यू के। लेनी साइड नहीं लेनी, तो पीछे हट अपना भी पका लेने अपने ला। ये ब्रिज है बॉस, एंटर करते हैं ब्रिज में। हल्की हल्की स्पीड से एंटर किया, बहुत ही प्यारा नीचे दरिया इतना बह रहा है और बहुत ही खूबसूरत लहजे में बह रहा है, बड़ी प्यारी और शांति से। राजे की स्पीड किधर, राजे को पता करते हैं भाई, राजा तू आए किधर यार। और यहाँ से आ चुकी अपनी तारा 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 तारा, तुम भी मतलब की जगह नहीं मिली जैसे मेरे पास से आगे उठना था, मसला बन गया ये 40-18 वाला कितना।
और ये देखिए आपने स्टाइल व्यू आए, थोड़ी गाड़ी यहाँ से हम पका के रखते हैं, भैया उन्होंने खा ली पका के सुपर स्पीड। डी 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 और ये टर्न लिया, ये लिया टर्न हमने गोल, तो ब्लॉग हो गया यहाँ पे थोड़ा सा रुक के जा। सलीम भी आ रहा है फिर। तो दोस्तों आ चुके हैं पलंगा रोड पे, अपना पलंगा वो सामने पा रहा है जहाँ से हमने माल लोड करना है। तो रात को बारिश हुई थी हल्की हल्की कल, तो उस वजह से थोड़ा सा स्लिप हो गया था, पीछे थोड़ा स्लिप है, यहाँ पे थोड़ा सूखा एरिया है। तो वो सामने अपना पलंगा जहाँ से हम माल लोड करेंगे, तो पहुँचते हैं वहाँ पे। कुछ अपना नंबर आई टॉप है, मैंने फ़ोन करके पता कर लिया है। भाई खड्डे बहुत हैं यार, क्या करें, चलना पड़ता है, आस्ते आस्ते चलेंगे। तो पहुँचे पलंगा रोड, चलो ये करते हैं क्रॉस पॉइंट, वहाँ पे दिखाते हैं आगे का सीन। तो अभी बलंगा में अपनी गाड़ियाँ ये पार्किंग में लगी हैं, लाइन में लगी हैं। तो कुछ टाइम के बाद लोडिंग हो जाएगी हमारी, मत हमारी भी हो जाएगी, क्योंकि अभी ब्लास्ट होना है, उसके बाद लोडिंग होगी। तो बादशाह ये खड़ा है सामने, देख रहे टोर में खड़ा है एकदम, तो टोर में बादशाह और साथ में उसकी बेगम शाशीष पुंजा और साथ में और भी बहुत सी गाड़ियाँ अपनी यहाँ खड़ी। तो अभी आया हूँ मैं उधमपुर वाली जो माइन है, वहाँ से माल लोड होता है, वहाँ पर आया हूँ अभी। तो यहाँ पे उस्ताद ने बोला यार राजा मेरी गाड़ी की भी रील बना, मैं चल बना देते हैं। तो आए यहाँ पे शॉट लेने के लिए कुछ गाड़ी के, तो अपनी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन में, तो जहाँ है कुछ वहाँ है, तो देखते क्या रहता है सीन आगे का। किधर गए वो? तो दोस्तों आ चुके हैं माइन पे हम, अपनी गाड़ी में थोड़ा माल भर चुका है और ये जा रही है अपनी 33-13। ये उतराई उतार रहे हैं, गाड़ी को ब्रेक लगा के रखी है फिर भी गाड़ी उतराई उतर रही है, भाई रुकती नहीं है गाड़ी। देखो वैसे यहाँ पे ब्रेक लगाने नहीं चाहिए, एक नंबर लगा के गाड़ी छोड़ देनी चाहिए और आराम से निकल जाती है। और पीछे जड़ी है ये आ गई 77-78 अपने फरनाटा, ये भी जा रही है, ये फरनाटा साहब जा रही है गाड़ियाँ एकदम चैल उतर के नीचे। तो चलते हैं, अपना बादशाह ये खड़ा है, थोड़ा लोड किया है चूरा, स्नो वाइट का चूरा लोड किया है। तो आगे से बीबी रजा की गाड़ी आ रही है, बादशाह अपने लाइन में खड़ा है एकदम दहशत में। तो बादशाह को रहने तो खड़े, देखते हैं आगे क्या सीन है, तो और माल डलवा लेते हैं। तो दोस्तों गाड़ी अपनी लोड होके आ गई, बादशाह लोड हो गया, ये देखो माल पूरा लोड हो गया, मतलब अपना सेट कर रहे हैं माल वगैरह। तो अब निकलेंगे यहाँ से, तो गाड़ी को वॉश भी करवा लेते हैं बाहर जाके, तो फिर देखते हैं आगे का सीन क्या रहता है। भाई किसके पटाखे बिठा रहे हैं यार, तो अपने भाई साहब सलीम भाई की गाड़ी अभी लोड नहीं हुई, तो ये भी लोड हो जाएगी, तो फिर निकलते हैं। छब छुपुंजा भी पीछे लगी लाइन में, देखते हैं क्या सीन रहता है। ओके कराते हैं कांटा गाड़ी का, तो निकलते हैं यहाँ से। ओके दोस्तों गाड़ी का कांटा हो गया, तो अब अपना यहाँ से निकल चुके हैं, कांटा वगैरह करवा के सुपर हो गए निकल गए। एक नंबर ही जाना, दो नहीं लगाना भाई, दो नहीं लगाना, एक ही बड़ा है। ये बड़े बड़े खड्डे हैं, ये क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद इसने क्या सीन रहता आगे का। ओके वेट एंड वॉच। तो दोस्तों आ चुके हैं हम, अभी गाड़ी लगाई अपनी सर्विस स्टेशन पे, 85-56 वो लगाई, 85-81 लगाई और एक चदर की तार ली है अपनी संगलदान की, थी कहाँ की गाड़ी है भाई की, तो ये भी नई नहीं आई, ये तो फ्रेश। तो अपनी बादशाह भी फ्रेश करना है, अभी गंदा जैसा हो गया, आज साफ़ सुथरा करना है, एकदम ओके ओके करना है। तो गाड़ी जहर में ये भाई ने, ओके वेट एंड वॉच। हाँ तो दोस्तों गाड़ियाँ होगी वाश, बेगम भी वाश, बादशाह भी वाश, दोनों गाड़ियाँ वाश होगी। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं शाम के 7:30 टाइम के, और अभी टाइम हो रहा है 5:48, तो हम निकलेंगे 7 बजे निकलेंगे घर से। और बादशाह ये भी होगा, पर मज़ा नहीं आया वॉशिंग करवाने का गाड़ी को, तो इसलिए मैं वापसी आके वॉशिंग करवा लूँगा गाड़ी को अच्छी तरह। तो अभी निकल रहे हैं और ये देखिए इसने अब गाड़ी अपनी अच्छी तरह वॉश की, बट इतना ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया अपनी गाड़ी वॉश करने का। देखते हैं क्या रहता है, यहाँ से निकलेंगे सीधा गाड़ी वेट करेंगे, और यहाँ से रुकना तो कहीं पर नहीं है, तो ओके वेट एंड वॉच। हाँ दोस्तों बादशाह को लगाया पार्किंग में, और 1 घंटे के बाद निकलेंगे हम सांबा। तो अभी आज के अपने गांव में बिजारों में घर कपड़े शपड़े चेंज करके फिर निकलता हूँ यहाँ से। ओके वेट एंड वॉच। हाँ दोस्तों निकल चुके हैं हम सांबा के लिए, फेयर एंड डाल के एकदम जहर लुक में निकले हैं सांबा के लिए, तो ओके और कैसे हो, मस्त मजे में ना। हाँ दोस्तों व्लॉग कंटिन्यू है, और अभी हम पहुँच चुके हैं समरोली, क्रॉस किया और समरोली क्रॉस कर रहे हैं। तो बस आगे बलीनाला में जाकर चाय पीएंगे, नमकीन चाय, अपने कुपवाड़ा के बंदे उनके होटल है फेमस है, और वहीं पे हम पियेंगे चाय। तो अभी हम समरोली से आगे जा रहे हैं, तो समरोली पियेंगे चाय, तो
कमेंट करके बताना मेरे पे फेरन कैसा लग रहा है, जच रहा है मेरे पे या नहीं जच रहा, ये मुझे बता दे। और अपनी गाड़ी बड़े आराम आराम से मैं जा रहा हूँ, मजे मजे जा रहा हूँ, बोल रहा है मैं भी जाके सोना भी है, तो देखने क्या सीन रहता है आगे का। तो आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा मेरे हिसाब से, देखते हैं अगर चाय पी तो वहाँ तक, नहीं तो यहीं पर रहेगा। तो ओके, वेट एंड वॉच।